wishing you all, the women there, happy Women's Day. And of course, you'll find out ki ma'am, happy Women's Day kisko keh rahi hai, kya ho gaya ma'am ko aaj? Ma'am to bolti hai, welcome to Unacademy class with Bindiya Bathla. So yes, aaj mere students ki sabhi mothers ke liye happy Women's Day, and all those women who are associated with you, beta, jo bhi aapki life mein aapko कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा है, उन सबको एक बहुत बड़ा थैंक यू और हैप्पी वुमेन्स डे फ्रॉम Unacademy प्लेटफॉर्म टुडे बाय बिंदिया बाटला, डिफेंस एजुकेटर फॉर इंग्लिश, स्पेसिफिकली फॉर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एंड दैट यू गाइज नो. आई थिंक इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं होगी ज्यादा, और ना ही मुझे ज्यादा इंट्रोडक्शन में आपको आज उलझाना है कि आज कोई क्लास का अनाउंसमेंट नहीं है कि हम ये क्लास लॉन्च करने जा रहे हैं, ऐसा करने जा रहे हैं. इट इज नॉट दैट, इट इज जस्ट wish from heart to heart. It's just about being a woman, how beautiful it is to be a woman, and that feeling I would like to share by way of Unacademy Plus today. Beta, ek bahut choti si cheez pahunchana chahti hoon aapse associated sab un women ko jo ki bahut 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 zyada special hain. कुछ छोटा सा डेफिनेशन लिखा है आपके लिए विमेन का. कहोगे मैम आप इसमें भी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी पढ़ाने लगे, तो वो तो फिर आपको पता है ना कि जब बात आ रही है कि डिफेंस एजुकेटर हूँ फॉर इंग्लिश फॉर यू नो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन, तो मेरी हर बात से आप कुछ भी सीख जाओ, आई थिंक वो बड़ी बात होगी. तो हेयर वी कम फॉर द विमेन. वॉरियर शी इज, ओमनी प्रेजेंट इज हर लव, मल्टी टास्कर शी इज कॉल्ड, इनेमर्ड एंजल ऑन अर्थ, नोबल इज हर सोल, उसका कोई नहीं है मोल. छोटी सी पोम, बहुत गहरी बात. वॉरियर शी इज, जानते हैं बेटा वॉरियर, हम बहुत सारी हमने विमेन सुनी हैं जो एक्चुअल में वॉरियर्स रही हैं हमारी नेशन को फ्रीडम दिलाने के लिए, हमारी नेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अपलिफ्टमेंट के लिए काम औरतों ने किया है. तो वॉरियर तो वो है ही, और वॉरियर चाहे हम अपने देश के लेवल पे कहें, चाहे आज तुम सेनानियों को तैयार करने वाली जो औरतें हैं, जो विमेन हैं बेटा, वो भी वॉरियर से कम नहीं है. तो वॉरियर तो वो खुद है ही, वो माँ एक वॉरियर है बेटा, जो कहीं ना कहीं ये दिल रखती है कि वो अपने बेटे को इस देश के लिए कुर्बान करने को भी तैयार हो जाती है. या ओमनी प्रेजेंट इज हर लव, ओमनी प्रेजेंट समझते हो ना. अब आप कहोगे मैम हाँ याद आया ओमनी ऑल, या दैट्स अ रूट वी हैव डन, बट येस दैट्स ट्रू बेटा. एक विमेन का जो प्यार है ना, इट्स नॉट दैट कि वो बस यहाँ आप सामने हैं तो है, आप नहीं भी हैं, जैसे अगर मैं माँ का एग्जाम्पल लेती हूँ, नहीं भी हैं यहाँ पर ना, तो जहां भी हैं वहां पर वो प्यार पहुंच जाता है. एक वाइफ है वो हस्बैंड के लिए वहां भी दूर बैठे हुए भी वो सोचती है क्या वो चीज है, क्या वो प्रार्थनाएं कर सकती है, जो उसके बस में होता है वो डिस्टेंस से भी करती है. मल्टी टास्कर है ये तो मानते हो, आई एम श्योर मानते हो गे, यू नो विमेन शब्द में ही अपने आप में बहुत कुछ है, तो मल्टी टास्कर तो विमेन है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है. अगर हम, मैं ये नहीं कहती कभी भी बेटा कि एक मैन का योगदान कम होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है, शायद कथनीय नहीं होता वो कभी कभी, लेकिन विमेन के लिए हम मल्टी टास्कर शब्द बिल्कुल यूज कर सकते हैं. क्योंकि एक आप देखोगे एक विमेन है जो कि घर में भी काम कर रही है, बाहर भी काम कर रही है, दिमाग में उसके कुछ सोच है और भी कुछ चीजें हैं, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें, मेरे ख्याल से जैसे मुझे अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई शुड स्टिल से दैट आई एम प्राउड टू बी अ वुमन एंड आई एम रियली अ मल्टी टास्कर. वो मेरे स्टूडेंट्स शायद जानते होंगे, बट यस आई नो मेरे जैसी बहुत औरतें होंगी, मैं तो शायद बहुत थोड़ा सा योगदान दे पा रही हूँ. बहुत बहुत बड़े काम विमेन ने किए हैं. इनेमर्ड एंजल ऑन अर्थ, बेटा धरती पर हमने कोई एंजल कभी देखा नहीं. एंजल समझते हो ना, एक परी के रूप में है ना, हमने कभी देखा नहीं, एक फेरी का वर्जन है. तो एक हम एंजल उसको कहते हैं कि जो हमारी शायद सभी विशेष को पूरा कर दे, और शायद इतना प्योर हार्टेड, इतना प्यारा कि शायद उसका वो किसी का दुख देख ही नहीं सकता. तो इनेमर्ड इज लाइक फिल्ड विद लव, इनेमर्ड एंजल इज लाइक जो प्यार से, जो केयरिंग चीजों से, इमोशन से कहीं ना कहीं भरा हुआ है. दैट्स व्हाट अ वुमन इज. एंड नोबल इज हर सोल, बिल्कुल नोबल और नाइस, और ये उसकी आत्मा होती है जो ठंडक और जो शांति और जो कुछ भी टॉलरेंस पावर है वो डेफिनेटली वो अपने अंदर समेट लेती है. और उसका कोई नहीं है मोल, क्या कोई प्राइस फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा. तो अनमोल है,
और डेफिनेटली ये बात कहते कहते भी मुझे लगता है कि मैं खुद अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से उन सभी वुमेन को बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ जो कहीं ना कहीं ना केवल अपने बच्चों को इस लायक बनाती हैं जो आगे बढ़ करके देश की सेवा में जुट सके, बल्कि वो पूरा का पूरा एक परिवार इस तरह से संभालती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसका रिजल्ट देखने मिलता है बेटा। और यस, ये कुछ वर्ड्स मैं वही क्योंकि इंग्लिश एजुकेटर हूं तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स भी मैं जोड़ना चाहती हूँ यहाँ, जैसे एडोरेबल विच इज लवली, पायस समझते हो पवित्रता, वैल्यूएबल बहुत कीमती है ना, डेयरिंग तो है भाई, डेयर करना कि भाई आगे एकदम वॉरियर की तरह तैयार खड़े हैं, और यील्डिंग प्रोडक्टिव, फालतू में इधर उधर 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 इंडल्ज करना आई थिंक ये नहीं है वुमेन का रोल, वो नहीं है, यील्डिंग है, प्रोडक्टिव है, कहीं ना कहीं कुछ कर रही हैं तो कर दिखाने की वो इच्छा है और कर गुजरती हैं, एफेबल है, फ्रेंडली है, एमिएबल है, चीयरफुल है ना, हर जगह हैप्पीनेस और मर्थ फैलाने वाली हैं और मर्सीफुल हैं, और ये सब कहते कहते में कहीं ना कहीं आंखों के आगे मुझे हर वो वुमेन नजर आ रही है। सीरियसली आपको मैं कई बार कहती हूँ कि जब मैं कुछ बात करती हूँ और मैं बहुत डूब जाती हूँ अपनी बात में तो मेरे आंखों के आगे वो चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, पर आई थिंक एक वुमेन के कई रूप मैं इस समय अपने ऑरा में अपने आसपास देख पा रही हूँ, और बहुत बहुत बड़ा थैंक यू सबको कहना चाहूंगी। अनदर विश फ्रॉम अनअकैडमी प्लस फ्रॉम बिंदिया बाटला, अ हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ग्रेट लिसनर्स, और यहाँ मेरे जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं मैं उनकी माँ को भी बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी कि आप एक वाकई वो औरत होंगी जो इन बच्चों की सक्सेस के पीछे खड़ी होंगी, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल विद ऑल योर विशेज, लव एंड केयर विच दे ऑलवेज नीड, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ब्लिसफुल डे, बाय बाय।